हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू बी में। आज फ्रेंड्स हम बात करने वाले आधार कार्ड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर, जिससे आपकी छोटी मोटी समस्याओं का हल हो सके। आइए जानते हैं कि ये खोए हुए आधार कार्ड का नंबर किस प्रकार से आपको प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने आधार कार्ड को बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ही अपने एड्रेस पर किस प्रकार से ऑर्डर करना है। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जिससे आपका कोई भी स्टेप छूट ना जाए। और साथ ही साथ जो लोग इस चैनल पर नए हैं, वे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र के सर्च बार में आना है। सर्च बार में आने के बाद आपको टाइप करना uidai.gov.in, देन आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद कुछ इस प्रकार का व्यू ओपन होकर आएगा। सबसे पहले ऑप्शन से आपको पाँचवें नंबर पर सिलेक्ट कर लेना है, जहाँ पर आपको अपने खोए हुए आधार कार्ड का नंबर प्राप्त हो सकता है। देन आपको इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से पूछा जाएगा आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड हो। सिंपली आपको यहाँ पर नाम एंटर कर देना है। नाम एंटर करने के बाद आपको वह नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे आपको कैप्चर कोड भर देना है। कैप्चर कोड भरने के बाद आपको सिंपली सेंड OTP बटन पर क्लिक कर देना है। सेंड OTP बटन पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर एक OTP जनरेट होता है, जिसे स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और आपको लॉगिन बटन पे क्लिक कर, और इस प्रक्रिया से आपका आधार कार्ड का नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सेंड हो जाता है, जिसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आप जानते हैं कि आधार कार्ड को बिना मोबाइल नंबर के कैसे अपने पते पर ऑर्डर करना है। सिंपली आपको सबसे पहले वापस आ जाना है। वापस आने के बाद आपको सबसे पहले ऑप्शन माई आधार कार्ड पे जाना है। वहाँ पे सबसे नीचे से सेकंड ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद आपको किस इस प्रकार का पेज ओपन होकर आएगा, जहाँ पे एक छोटा सा आपको डेमो दिया होगा, आधार कार्ड का सैंपल दिया होगा। इसके बाद आपको नीचे सिंपली आधार कार्ड एंटर करना है। आधार कार्ड का नंबर एंटर करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे कैप्चर कोड भर देना है। कैप्चर कोड भरने के बाद सिंपली आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप अपना कोई भी नंबर डाल देना है। यहाँ पे इस ऑप्शन को चूज़ करना है, जहाँ पे लिखा हुआ माई मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड। देन आपको इसे टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आपको कोई भी एक मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपके चलती हुई कंडीशन में हो। आपको सिंपली OTP बटन पर, सेंड OTP बटन पर क्लिक कर देना है। OTP बटन पर क्लिक करते ही आपको सिंपली आपके मोबाइल नंबर एक OTP फिर से जनरेट होगा, जिसे आपको सबसे नीचे आके यहाँ पे एंटर कर देना है। OTP एंटर करने के बाद आपको सीधा सिंपली आपको नीचे दिए गए टर्म्स एंड कंडीशन ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद तो सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है, जहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का फोटो, साथ ही अपने आधार कार्ड का बैक साइड, फ्रंट साइड का डिटेल्स आपको यहाँ शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर अपनी एड्रेस देखने को मिल जाएगी। बाद आपको नीचे यहाँ दो ऑप्शन मिल जाएंगे, मेक पेमेंट का और कैंसिल का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सीधा मेक पेमेंट बटन पे क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट बटन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ आपसे 50 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आपको पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड का नंबर एंटर करना है। नंबर एंटर करने के बाद आपको बटन पर क्लिक करके आपको इसको प्रोसीड कर देना है, जिससे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जनरेट होता है। देन इसके बाद आपको सिंपली OTP बटन एंटर करके इसे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको एक रिसिप्ट प्राप्त होगा। रिसिप्ट को आपको सेफली रख लेना है, जिससे आपको अपने आधार कार्ड के ऑर्डर का स्टेटस पता चलता रहे और आपको अपना आधार कार्ड 2 से 4 दिनों में आपके घर तक पहुँच जाए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक्स और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें।